बलंदरी के पास एक गांव था मड़ा। जो कबायली आए थे उन्होंने औरतों को पकड़ लिया था। 14-15 साल की बेटी थी और इसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया कि ये काफिर के बच्चे को जन्म देगी तो वो भूखा ही तड़प तड़प के मर जाएगा। तो उस वक्त इनको इतना डर था, कोई भी बच्चा वो साथ नहीं रखते थे, उनको या तो खुद मार देते थे या खुद किसी जंगल की गुफा में छोड़ आते थे। ये बात एक ऐसी बेटी की है कि जो बलंदरी के पास एक गांव था मड़ा, उस गांव से वो निकले थे और कुछ जो कबायली आए थे उन्होंने औरतों को पकड़ लिया था। इस बेटी का 14-15 साल की बेटी थी और पर फैमिली वे पर थी, उसके घर में बच्चा था, तो ये भी परिवार के साथ चली। तो इनको पकड़ लिया गया, एक जगह का नाम आता है मीरानी कोठी। कहते हैं किसी ज़माने में मीरा जी ने वहाँ पर भजन किया था तो उस जगह का नाम डाला गया था मीरानी कोठी, यानी मीरा की हाउस। तो पकड़ने के बाद बाकी जो माँ बहनें थी उनको तो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और इसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया कि ये काफिर के बच्चे को जन्म देगी तो वो भूखा ही तड़प तड़प के मर जाएगा। ये औरत वहाँ से चले तो रास्ते में ही इनको बच्चा हो गया और जितने भी परिवार के लोग थे, अब एक दिन का बच्चा पैदा हुआ रोएगा, तो उस वक्त इनको इतना डर था कि जंगलों से छुप छुप कर आते थे तो कोई भी बच्चा वो साथ नहीं रखते थे, उनको या तो खुद मार देते थे या खुद किसी जंगल की गुफा में छोड़ आते थे। तो इस बेटी ने उस अपने बच्चे को एक पहाड़ी में छोटी सी गुफा थी उसके अंदर जब जन्म दिया, जन्म देने के बाद उसको छोड़ा और वो उसको वहीं पे छोड़ के निकल के आई। थोड़ी दूर गई, ममता ने उसको फिर पुकारा, जब लौट कर आई तो उसने तब तक कीड़ों ने वो बच्चा एक घंटे का मार दिया था और उसकी चीखें सुनकर वहाँ पर काफ़ी जो कबायली थे वो इकट्ठे हो गए, लेकिन जब उन्होंने गीदड़ों को बच्चा खाते हुए देखा तो वो चले गए और ये बेटी वहाँ छुप कर देखती रही। और दो बाद में आकर इसने एक दिन के बाद अपने सारे भाई बहनों को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद ये पुंछ में आए, पुंछ में आने से बाद इनको चक्राता रिफ्यूजी कैंप में विस्थापित किया गया और जहाँ पर इनको श्रीमती देवकी देवी जो इनको वहाँ पर मिली और इनकी सेवा की। ये लड़की कुछ भी नहीं खाती थी, जब इसको उन्होंने अपने घर पे ले जाकर बातचीत की तो उसने ये दर्दनाक कहानी बताई कि मेरे साथ ये हुआ है। और भाग्य की विडंबना देखिए कि 3 महीने के अंदर उस बेटी ने भी अपना शरीर त्याग दिया कि उसे लगा कि उसका जो नारी शरीर है किसी काम का नहीं है। तो ऐसी ऐसी दर्दनाक घटनाएं इस इलाके में हुई, लेकिन दुनिया के किसी भी इतिहास में इसका कहीं पर एक भी शब्द नहीं लिखने को मिलेगा।